गंवाने के बाद से ही अशोक गहलोत से राहुल गांधी नाराज चल रहे हैं। आपको बता दें कि कैंडिडेट्स को चुनने में गहलोत ने अपनी चलाई थी, जबकि कांग्रेस आलाकमान बड़ी संख्या में विधायकों और मंत्रियों के टिकट काटना चाह रहा था। जयपुर में भाजपा के भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो गहलोत भी मुस्कुराते हुए तस्वीर सामने आई है। परंपरा के तहत पूर्व सीएम को बुलाया जाता है, लेकिन मंच की तरफ जब कैमरा जूम हुआ तो गहलोत केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बगल में बैठे ठहाके लगा रहे थे। दोनों के बीच मानहानि मामले को लेकर तनातनी चल रही है और चुनाव के समय काफी तल्ख बयान भी आए थे, लेकिन आज की तस्वीर कांग्रेस आलाकमान को चुभ सकती है। दरअसल छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी है, लेकिन पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुस्कुराते हुए तस्वीर नहीं आई। दरअसल पूर्व सीएम अशोक गहलोत मुख्यमंत्री भजन लाल के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। वहां उन्होंने विरोधी गजेंद्र सिंह शेखावत के बगल में बैठते हैं। दोनों में 36 का आंकड़ा रहा है, मानहानि का केस भी चल रहा है। गहलोत बार बार शेखावत पर संजीवनी घोटाले में संलिप्त होने का आरोप भी लगाते रहे। ऐसे में केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में केस कर दिया, लेकिन आज शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले एक मंच पर दोनों ने गर्मजोशी से मिलते और हंसते मुस्कुराते देखे गए। यही नहीं, रिपोर्टों में बताया गया है कि गहलोत पूर्व में विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौर और सतीश पूनिया से भी बेहद आत्मीयता से मिले। राजनीति में काफी कुछ परसेप्शन से चलता है, ऐसे में मुस्कुराहट गहलोत पर भारी भी पड़ सकता है। वैसे संभावना इस बात की ज्यादा है कि शेखावत और गहलोत की चेयर आसपास लगाई गई हो और शिष्टाचार के नाते गहलोत खड़े होकर भाजपा नेताओं से मिल रहे हो, लेकिन मुस्कुराहट जरूर चौंकाती है। अगर किसी को ना पता हो तो वह यही समझेगा कि इस नेता की पार्टी ने ही राजस्थान में सरकार बनाई है। आमतौर पर शपथ ग्रहण समारोह से पहले दल के नेता दूर ही रहते हैं, आते भी हैं तो कैमरे की नजरों में नहीं आते, लेकिन अशोक गहलोत ने शायद नजीर पेश करने की कोशिश कर दी है। अब यह पार्टी आलाकमान पर है कि वह इस मुस्कुराहट को किस तरह देखता है। जब कांग्रेस ने पिछले दिनों हार पर समीक्षा बैठक बुलाई तो गहलोत भाजपा के ध्रुवीकरण को हार की वजह बताते रहे, लेकिन खुद राहुल गांधी ने इसे नहीं माना था। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने तर्क रखा था कि अगर ऐसा होता है तो वोट शेयर में अंतर मात्र 2% नहीं रहता। राहुल ने खुलकर कहा कि पुराने प्रत्याशियों को रिपीट करने के कारण राजस्थान में हार मिली, जबकि युवा उनसे नाराज थे। कई सीटों पर जीत का अंतर कम रहा, बागी नेता भी कई सीटों पर हावी रहे और गहलोत उन्हें मना नहीं कर पाए। कांग्रेस आलाकमान इस बात से भी नाराज है कि गहलोत और उनकी टीम खुद को सुरमा मानकर चल रही थी, उनका अति आत्मविश्वास पार्टी को ले डूबा। अब आज भाजपा के नेताओं से गहलोत मुस्कुराते हुए मिलते देखे गए, कहीं से गंभीरता से लिया गया तो राजस्थान कांग्रेस में आमूलचूल बदलाव देखने को मिल सकता है।